हे गाइस, माय नेम इज आशीष। वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से व्हाइट हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हो काफी ज्यादा रियलिस्टिक, एंड कोई भी मुस्टैच, बियर्ड या हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। तो कई सारे लोगों के मेरे ऊपर मैसेज आ रहे थे कि आप किस तरीके से व्हाइट हेयर्स को ड्रॉ करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक मेथड की जिसका नाम है आइडेंटिंग टेक्निक। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है रियलिस्टिक व्हाइट हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए, एंड इस मेथड को प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो लेट्स सी। तो अगर आपको व्हाइट हेयर्स को ड्रॉ करना है तो आपको इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है व्हाइट हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए, एंड इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो अगर आपको बियर्ड, मुस्टैच या हेयर्स में बनानी है व्हाइट हेयर, तो ये मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इंडेंटिंग टेक्निक होता क्या है। तो जैसे कि मैं पेपर के ऊपर आइडेंटिंग टूल का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या कोई भी पेन ले सकते हो, तो उससे वो आइडेंटिंग टूल बन जाएगा। फिर आप उसको पेपर के ऊपर चला लेना, तो जब आप चलाओगे तो पेपर में डेप्थ बन जाती है, एंड उसके ऊपर से आप जब शेड करोगे पेंसिल से, तो जो एरिया होता है जहाँ पर आपने आइडेंटिंग की थी, तो वहाँ पर वाइट लाइन बन जाता है जब आप शेडिंग करते हो। तो ये जो हमें वाइट लाइंस दिख रही है, इसे कहते हैं हम आइडेंटिंग टेक्निक, जिसे हम करते हैं ड्राइंग्स में यूज़ मुस्टैचे को बनाने के लिए या हेयर्स को बनाने के लिए, हाइलाइट्स करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है अगर आप वाइट हेयर्स को ड्रॉ करना चाहते हैं, एंड अगर आप उसके ऊपर से ब्रश का यूज़ करते हो तो जो आपने आइडेंटिंग की होती है वो लाइट हो जाती है पहले से। कोई सा भी आप चारकोल यूज़ कर रहे हो या ग्रेफाइट यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो शेड होता है वो आइडेंटिंग के अंदर चला जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको वाइट जेल पेन ले लेना है, और जहाँ पे आपने आइडेंटिंग की हुई है वहाँ पे उसके ऊपर आपको जेल पेन का यूज़ कर लेना है। तो अगर आप कोई बियर्ड बना रहे हो या कोई मुस्टैचे बना रहे हो जिसमें पूरा वाइट हुआ हुआ है एक्सट्रीमली, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको वाइट जेल पेन का यूज़ कर लेना है जहाँ पे आपने आइडेंटिंग करी हुई है, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अभी मैं दोनों ग्रेफाइट पेंसिल एंड चारकोल पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ, एंड फिर उसके ऊपर वाइट जेल पेन का यूज़ करके देखेंगे कि वो अच्छी तरीके से ऑप्ट हो पाता है या नहीं। तो अगर आप ग्रेफाइट के ऊपर वाइट जेल पेन का यूज़ करते हो तो वो अच्छी तरीके से ऑप्ट नहीं हो पाता, जैसा कि आप देख सकते हो। आपको बस आइडेंटिंग का यूज़ करना है एंड उसके ऊपर से जेल पेन का यूज़ कर लेना है। तो अगर मैं चारकोल में भी करता हूँ तो उसके ऊपर भी अच्छे से ऑप्ट नहीं होता वाइट जेल पेन। अभी मैं फिर से आइडेंटिंग कर रहा हूँ, फिर उसके ऊपर मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके देखूंगा, शेड करके देखूंगा कि किस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो मैंने आइडेंटिंग करी थी वो कितनी ज़्यादा ब्राइट लग रही है चारकोल के ऊपर, एंड अब मैं इसके ऊपर वाइट जेल पेन का भी यूज़ करूँगा और ब्राइट करने के लिए। तो बस यही था मेथड। तो अगर आपको ग्रेफाइट में करनी है आइडेंटिंग तो आप ग्रेफाइट में कर सकते हो, या अगर आपको चारकोल में करनी है तो आपको चारकोल में भी आप कर सकते हो। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप ड्राइंग बना रहे हो तो अगर उसमें इंडेंटिंग है तो आपका जो पेपर है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, उसका जो GSM है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि 180 GSM हो गया, 200 GSM हो गया, तो उस पेपर का आपको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पतला पेपर यूज़ करोगे तो जब आप इंडेंटिंग करोगे तो पेपर फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो मैं अभी ड्राइंग बना रहा हूँ उसमें भी मैं इंडेंटिंग मेथड का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं कोई भी इंडेंटिंग टूल ले लूँगा, जैसे कि मैकेनिकल पेंसिल होगा, तो मैं तो अभी पेन का यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैंने अब आइडेंटिंग कर ली है मुस्टैच में भी एंड बियर्ड में भी, तो अब मैं यूज़ करूँगा चारकोल पेंसिल का, एंड इसके ऊपर से हल्के हाथ से शेडिंग करूँगा लो प्रेशर से। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पूरी जगह चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर ली है, तो अब अलग से वाइट लाइंस दिख रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है मुझे तो। एंड इसके ऊपर से अब मैं ब्रश का यूज़ करूँगा, तो ब्रश का यूज़ करने के बाद जो आइडेंटिंग है उसके ऊपर से आपको वाइट जेल पेन का यूज़ कर लेना है उसको और ब्राइट बनाने के लिए। तो गाइस, इस मेथड को बड़े बड़े आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं, तभी उनका जो वाइट हेयर्स होता है वो रियलिस्टिक दिख पाते हैं। तो मैं भी इन्हीं आइडेंटिंग मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, एंड आपको सिखा रहा हूँ कि आप भी इस तरीके से कर सकते हो। मेथड इजी है एंड इसमें टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है बियर्ड एंड मुस्टैच, काफ़ी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक लग रही है, एंड आप भी इस मेथड का यूज़ कर सकते हो जो मैंने इस वीडियो में बताया। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी ड्राइंग बना रहे हो, जो भी आपको रेफरेंस फोटो है उसको आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेना है कि जो फोटो में वाइट हेयर है वो ज़्यादा वाइट है या कम वाइट है। अगर ज़्यादा वाइट है तो जो मैंने आपको मेथड बताया वो सिंपली आपको यूज़ कर लेना है, वो वाला टेक्निक, एंड अगर कम वाइट है तो आपको मेथड यूज़ करके उसमें थोड़ा सा ब्रश से ब्लेंड कर देना है ताकि वो डार्क हो जाए।
तो चलेगा इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलेगा इस, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।